शायद ये और भी बड़ी दीवार है, मगर ये जो पहली दीवार है इसको तोड़े बिना वो दूसरी दीवार नहीं तोड़ी जा सकती। वो दूसरी दीवार है हिंदुस्तान के युवाओं और राजनीतिक सिस्टम के बीच में दीवार। आज युवा देखता है, चार साल पहले हिंदुस्तान के युवा ने सोचा मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मिलकर मोदी जी के साथ हिंदुस्तान को बदलने का काम करूंगा। पता लगा मोदी जी की गाड़ी को धकेला, गाड़ी स्टार्ट हुई, युवा देखते रह गए, एक तरफ नीरव मोदी बैठा, दूसरी तरफ ललित मोदी और गई गाड़ी। और युवा देखता रह गया, ये हुआ क्या भैया, मैंने तो बदलाव की बात की, मैंने गाड़ी को धकेला, एक तरफ राफेल हवाई जहाज, दूसरी तरफ अमित शाह जी का पुत्र। और मोदी जी हाई स्पीड गाड़ी में फटाक से गए अमेरिका। तो दीवार तोड़नी है, और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये स्टेज देखो, बाकी सब राजनीतिक संगठनों की ऐसी मीटिंग आप देख लो, आपको किसी भी मीटिंग में ऐसा खाली स्टेज नहीं दिखाई देगा। हिंदुस्तान के युवाओं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और बाहर हैं, ये स्टेज आपके लिए मैंने खाली किया है। शक्ति के बिना इस देश को बदला नहीं जा सकता है, सीधी सी बात है। और इसलिए मैंने यह स्टेज आपके लिए खाली किया है, और इसके बाद, और सुनिए, इसके बाद जो भी टैलेंटेड लोग हैं जो हिंदुस्तान के विजन को मानते हैं, समझते हैं, जिनके दिल के अंदर हिंदुस्तान की आग जलती है, करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है, अलग अलग देशों में है, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस स्टेज को आपसे मैं भरूंगा, आपको लेकर घसीट घसीट कर यहां लाऊंगा। जो टैलेंटेड लड़के हैं लड़कियां हैं इस देश में, जैसे 70-80 साल पहले आप कांग्रेस पार्टी को देखते, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद, जगजीवन राम, लिस्ट थी, और इनमें से कोई भी व्यक्ति इस देश को चला सकता था, वही मेरा सपना है। जैसे उन दिनों कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी,
वैसी कांग्रेस पार्टी में देखना चाहता हूं। जिन्हें नेता हैं आपकी जगह है, कांग्रेस पार्टी में युवा हैं आपकी जगह है, और कांग्रेस पार्टी के बाहर करोड़ों युवा हैं आपकी भी जगह है। मिलकर क्या करना है मैं आपको बता देता हूं और कैसे करेंगे। दो तीन चीजें हैं। दुनिया में आज दो विजन दिखाई दे रहे हैं, एक अमेरिका का विजन, एक चाइना का विजन। मैं चाहता हूं 10 साल के अंदर बीच में एक इंडिया का विजन भी दिखाई दे जाए कि पूरी दुनिया के है। हां भैया ये तरीका है, ये तरीका है, मगर सबसे अच्छा तरीका ये तरीका है, बीच वाला, भाईचारे का, अहिंसा का, प्यार का। करने के लिए युवाओं को रोजगार, सीधी सी बात है, चाइना के साथ कंपटीशन है। 30,000 24 घंटे में रोजगार देते हैं। प्यार से मुकाबला करना है, दुश्मनी से नहीं, नफरत से नहीं, मगर प्यार से। रोजगार कैसे आएगा? हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई चीज बनती है। यूपी को देख लीजिए, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, शिवकाशी, शिवकाशी, स्किल की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। कमी एक है, जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास ऊर्जा है, उसके पास बैंक लोन नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो हमारा स्किल्स का ढांचा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम उसको बैंक के पैसे से और टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात, आज किसान अनाज उगाता है, सब्जी उगाता है, ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाता है। यूपी के सड़कों पे आलू दिखाई देते हैं, किसान फेंक देते हैं, इसको हम बेच नहीं सकते। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी फूड पार्क्स का नेटवर्क लगाएगी, बिछाएगी, फैलाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में किसान अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल डायरेक्टली सीधा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जाके बेचेगा। और एक और आश्वासन मैं हिंदुस्तान के किसान को देना चाहता हूं यहां से, आपने इस देश को बनाया है, टेक्नोलॉजी से पहले बड़े बड़े उद्योगों से पहले आपके खून पसीने ने इस देश को बनाया है, और ये देश उस बात को कभी नहीं भूलने वाला है। हमारी सरकार आएगी, हम आपकी रक्षा करेंगे, दिल से आपकी रक्षा करेंगे। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम आपकी जरूरत पड़ने पे मदद करेंगे।
पार्टी सबकी पार्टी है, और अगर रोजगार की जरूरत है और किसानों को रक्षा की जरूरत है तो तीसरा सबसे बड़ा काम शिक्षा का है। आज व्यापम स्कैम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। दिल्ली में युवा धरना दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बिकता है और एक नई जात बन रही है। वे लोग जो क्वेश्चन पेपर को खरीद कर एग्जाम पास करते हैं, और ये पूरे देश में आस्ते आस्ते फैल रहा है। शिक्षा सिर्फ एलीट क्लास की नहीं होती, शिक्षा का हक हर युवा का हक है, हर जात का, हर धर्म का हक है। आजकल IIT है, IIM है, मगर बहुत कम है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको हम देश के कोने कोने में फैला देंगे और लाखों करोड़ लोगों को जिस प्रकार की शिक्षा IIT में और IIM में मिलती है वैसी शिक्षा देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। पूरे देश में बीजेपी ने डर फैला रखा है, प्रेस के लोग डरते हैं, और पहली बार हमने देखा 70 साल में यह कभी पहले देखने को नहीं मिला। हिंदुस्तान की जनता न्याय लेने कोर्ट में जाती है। पहली बार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज न्याय लेने जनता की ओर दौड़ रहे हैं। ये RSS के संगठन का काम है। कांग्रेस पार्टी और RSS में एक बहुत बड़ा फर्क है, हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करते हैं, वो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, RSS, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन RSS के नीचे काम करें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पुलिस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन। और सच्ची लड़ाई ये लड़ाई है, हम हमारे इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस वाले हमारे बारे में भी, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी खराब लिखते हैं, कभी कभी गलत भी लिखते हैं, मगर मैं स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप जितना भी खराब लिखना चाहते हो हमारे बारे में लिखो, मगर कांग्रेस पार्टी का यह जो हाथ है यह आपकी रक्षा करेगा। जब RSS आपको मारेगी, दबाएगी, काटेगी, ये हाथ आपकी रक्षा करेगा, ये लोग आपकी रक्षा करेंगे। दो विचारधाराओं की लड़ाई है,
की लड़ाई है और हमारी विचारधारा चुनाव में जीतने जा रही है। आपने देखा होगा एक के बाद एक बीजेपी चुनाव हार रही। मोदी जी के चेहरे में चेंज देखा होगा आपने, थोड़ा सा सूट गायब हो गया, अब सूट नहीं पहनते और सोच रहे हैं कि शायद गुजरात में निकल गए, शायद 2019 में नहीं निकल पाएंगे, फंस जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को लड़ना है बिना डरे, किसी से नहीं डरना आपको। गांधी जी का संगठन है, शेरों का संगठन है ये, किसी से नहीं डरेंगे हम। सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। ये जो दो दीवारें हैं इनको तोड़ेंगे और एक बार फिर हमारे प्यारे देश को रास्ता दिखाएंगे। आपने जैसे मैंने कहा 15 साल से मैं राजनीति में हूं, आसान नहीं है। झटके पड़ते हैं, ठोकर पड़ती है, चोट लगती है और मैं समझता हूं मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, मगर इससे हम सीखते हैं, समझते हैं। और जब हमें ठोकरें लगती है, दर्द होता है, चोट लगती है, तो जो हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसके हम पास जाते हैं, जाना पड़ता है। तो आस्ते आस्ते राजनीति ही हमें सिखाती है, गलतियां भी होती हैं, सब करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, मगर आरएसएस और बीजेपी में हमें एक फर्क है, हम मान लेते हैं, हम कहते हैं हां हमने गलती की, फिर से नहीं करेंगे। वो मानते नहीं है, वो सुनते नहीं है। डिमोनेटाइजेशन करेंगे, पूरी दुनिया कह दे गलती की, मोदी जी आंसू बह देंगे, मगर ये नहीं मानेंगे कि गलती की। मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं, अगर ऐसी गलती, कांग्रेस पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, मगर गलती ऐसी की होती तो एक मिनट में हमारे सब नेता कहते हैं हां हमने गलती की, अब इसको ठीक करते हैं, एक मिनट में। करोड़ों लोगों को चोट मारी, मगर ये नहीं कह सकते कि भैया हमने गलती की। गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कुछ दिन पहले प्रेस में आया कि हिंदुस्तान का जीएसटी सबसे ऊंचा है, दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं, पाकिस्तान, सूडान और हिंदुस्तान। इंप्लीमेंटेशन बर्बाद कर दिया, मगर मोदी जी एक बार भी यह नहीं कह सकते हैं कि हां
छोटी सी गलती हो गई, आगे भी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े काम करेगी, अच्छे काम करेगी, देश को आगे ले जाएगी, मगर हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। वो सोचते हैं कि वो इंसान नहीं है, कुछ और है। शायद मोदी जी सोचते हैं कि वो भगवान के अवतार है। तो अब आप सब मिलकर एक साथ खड़े होकर झगड़ा करना है चुनाव के बाद, प्लीज। थोड़ा सा होता है मगर अब अगले 6-7 महीने के लिए थोड़ी कड़ी डिसिप्लिन चलेगी, थोड़े झटके लगेंगे, तो थोड़ा प्यार से मिलकर एक साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का वर्कर 2019 में हिंदुस्तान को दिखाएगा कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है और कैसे चुनाव जीतती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।